हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपको अपने यूट्यूब चैनल एस एल टीच में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो क्लास 10th अर्धवार्षिक का पेपर है कक्षा 10वीं विज्ञान का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का, सॉरी दोस्तों सामाजिक विज्ञान का आपको पूरा पूरा पेपर बताने वाला हूँ जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। तो इस पेपर को आपको अच्छे से रट लेना है, ठीक है, पूरा पूरा पेपर आप अच्छे से याद कर लें, यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आपको आंसर भी दिए हुए हैं कि कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद नेक्स्ट आता है कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों पानी का इकट्ठा होना। उसके बाद अगला जो आ जाता है वो है भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 1972 में हुआ था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो इसका आंसर क्या है, चना। नेक्स्ट आ जाता है लोहे का अयस्क का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर है दोस्तों बॉक्साइट। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि वंदे मातरम को किसने लिखा है, तो इसका आंसर है दोस्तों बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान भारतीय राज्य है। तीसरा है दोस्तों श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोयला उत्पादन में भारत का स्थान। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जल एक योग्य संसाधन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जेम्स वॉट ने द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए, ठीक है। यहाँ पर आप इन सबके आंसर देख सकते हैं। ये पूरा पूरा सॉल्यूशन आपको इस पेपर का मैंने बताया हुआ है। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सही जोड़ी में सीमेंट उद्योग भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद नेक्स्ट है परिवहन एवं संचार, हिंदी स्वराज और रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन। इसके बाद नेक्स्ट चाय, ठीक है, ये आंसर भी आपको सामने दिए हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एक शब्द वाक्य में, पहला है कि नेपोलियन ने उन पर हमला कब किया, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ। दोस्तों, सभी के आंसर आपको नीचे दिए हुए हैं, आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, अब देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जाता है पांच बाकी सत्ता सत लिखिए, देख सकते हैं आप होलमार काबूसन लेटराइट, ठीक है। इन सभी के सॉल्यूशन आपको नीचे दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पर, तो क्वेश्चन आंसर में आप देखेंगे कि मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट केंद्रीय वन आयोग क्या है, पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है। उसके बाद नेक्स्ट जाता है रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए, और उसके बाद उदारवाद का अर्थ बताइए। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो अल्वे रॉइन किया क्या था, इसका उद्देश्य लिखिए, उद्देश्य क्या था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जनमत संग्रह का क्या अर्थ था। उसके बाद नेक्स्ट रोलेट एक्ट क्या था। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह के बारे में बताइए, नेक्स्ट बहिष्कार से क्या आशय है। उसके बाद आता है सेठ हुकुमचंद कौन थे। उसके बाद नेक्स्ट गृह युद्ध किसे कहते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन आया वो है भारतीय संघ में कितने राज्य तथा कितने संघीय क्षेत्र हैं। उसके बाद नेक्स्ट अधिकार क्षेत्र क्या है। उसके बाद जो है वो है दल बदल क्या है। अगला जो क्वेश्चन आया था 800 400 400, जी हाँ याद कर लीजिए ये व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट और क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 800 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कीजिए, फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फ़ोटो खींचनी है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसकी वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगी। क्लास 6th से 12th IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए और 800 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन। तब वो है राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं। 15वां है एकाधिकार क्या है। इसके अथवा में रिवर का शोषण से क्या आशय है। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था वो है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर बताइए। उसके बाद एजेंडा क्या है, इसकी सिद्धांतों की सूची बनाइए। उसके बाद 17वां है राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में अंतर लिखिए। नेक्स्ट आ जाता है भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आता है वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय। उसके बाद आ जाता है खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है, खरीफ एवं रबी फसल में अंतर लिखिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। उसके बाद नेक्स्ट है पुनः पैकेट क्या था, स्पष्ट कीजिए।
ठीक है। 20 आप देख सकते हैं मानचित्र में आपको इन सभी को जो है दर्शाना था, आप देख सकते हैं। उसके बाद 21वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रजातंत्र की सफलता में बाधक प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए, ठीक है। यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आई होप आपकी पसंद आई, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।